राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज लखनऊ पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इंडिया गठबंधन के मामले में कहा कि गठबंधन जैसा है वैसा रहेगा, वहीं राजस्थान में मिली एक सीट से गदगद दिखे जयंत चौधरी। अखिलेश यादव के मामले पर उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश यादव का जो फैसला है वह सर्वमान्य होगा, जो जहां जैसे मजबूत है उसको वहां वैसे चुनाव लड़ना चाहिए। इस बीच लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, आइए अनामिका रिपोर्ट। अभी हम है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यालय में। अभी जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी की बैठक करी है और संबोधित किया। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत, जो जहां है वहीं से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा की तरह अग्रणी भूमिका निभाएगा। आज महिलाएं भी काफी संख्या में यहां पे आई हुई थी, हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। पूछते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल में महिलाओं की क्या स्थिति है और क्यों वो जुड़ रही है इस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल से। जी मैम बताएं। मैं बिजनौर से हूँ, आशु राणा जी, और राष्ट्रीय लोकदल के साथ बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं जुड़ रही हैं। आपने यहाँ देखा भी होगा, क्योंकि क्यों जुड़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार में महिलाओं के साथ दोगला व्यवहार होता है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सुरक्षा कराओ, लेकिन बेटियों की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। खुद इनके नेता भेड़िया बने हुए हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। जब खिलाड़ी महिलाओं तक को तीन तीन महीने तक धरने दे रहे देने पड़ रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा है। ब्रजभूषण को गिरफ्तार तक नहीं कर पा रहे थे, ये उसको निकाल तक नहीं पा रहे हैं। ब्रजभूषण जैसे लोगों का खुला समर्थन ये लोग करते हैं, तो महिलाओं की आप सुरक्षा कहाँ है? महिला बिल्कुल भी इस पार्टी में सुरक्षित नहीं है। और एक ब्रजभूषण नहीं, दरिंदे घुसे हुए हैं इनकी पार्टी में। एक से एक नेता को उठाकर, उनका इतिहास उठाकर देखिए, दरिंदे हैं सब लोग। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी जो मैम ने कहा, मैं रूबी राठी महिला जिलाध्यक्ष बिजनौर से, जो मैम ने कहा मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला सुरक्षित नहीं है बीजेपी में। और वो नारा है उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ एक उनका दिखावा है। और हमारे राष्ट्रीय लोकदल में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, सबसे ज़्यादा सेफ हैं। और हमारे जो भी कहते हैं जयंत चौधरी जी, वो सत्य कहते हैं और बहुत जो कहते हैं वो करते भी हैं। जिला स्तर पे आप लोग और महिलाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकदल से क्या कुछ कर? हमारी महिलाएं काफ़ी जुड़ चुकी हैं और हमारे पास जितनी लगभग टीम बन चुकी है वहाँ पे 100 से 150 की महिला के पीछे टीम बन चुकी है। सबको पद भी दिए गए हैं और बहुत अच्छा काम बिजनौर में चल रहा है महिलाओं के लिए। और युवा भी वहाँ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं बिजनौर में, पदाधिकारी सभी। राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई है, जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन पहले से ज़्यादा मजबूत है और जो जहां है वहीं से पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव जी की बातों से वो पूर्ण रूप से सहमत नजर आए। पर हमले हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए आप पूरे देश में इंडिया गठबंधन को और मजबूत करिए, अग्रिम भूमिका निभाइए, इसका हम सारे लोग आपके साथ आपको स्वागत और हमारे बीच में हम सबके नेता और देश भर के नौजवानों किसानों की उम्मीद